हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरी देखिए, आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। ये काम मोबाइल में भी हो जाएगा। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या कोई भी ब्राउज़र हो वो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स आप सर्च करेंगे तो इनकम टैक्स जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए पहली ही लिंक आएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। ओके, एक वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले ही लिंक पे जा रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है, gov.in। ओके, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरी ही नंबर का ऑप्शन आपको लिंक आधार वाला मिलेगा। अगर ये पेज आपका नहीं खुलता है तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आकर इस होम पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी आपका होम पेज यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ आप लिंक आधार पर क्लिक कर देंगे। लिंक आधार पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिंक आधार वाला आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पैन नंबर पूछा है, तो यहाँ पर आप पैन नंबर आपका जो भी है वो टाइप कर देंगे। पैन नंबर के बाद आपको आधार नंबर दूसरे वाले कॉलम में टाइप करना है। उसके बाद आपको जो आपका आधार में नाम है वो ही आपको यहाँ लिखना होगा। ओके, देन उसके बाद आपने यहाँ पर आपका वो वाला मोबाइल नंबर लिखना है जो आपने आधार से लिंक किया हुआ है। जब ये आप पांचों कॉलम भर लेंगे तब उसके बाद यहाँ दिया गया है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, तो आपने ये अपने आधार कार्ड में चेक करना है कि आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर लिखा हुआ है या पूरी जन्म तारीख लिखी हुई है। अगर आपकी पूरी जन्म तारीख लिखी हुई है तो इस कॉलम को आप अनचेक ही रहने दें। अगर केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप इसे टिक कर दें। ओके, देन यहाँ पर तो आपको टिक करना ही है कि हाँ मैंने जो भी ये जानकारी दी है वो सब सही है। ओके, तो यहाँ दोनों टिक करने के बाद आप यहाँ पर लिंक आधार पे क्लिक कर देंगे। ओके, लिंक आधार पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा सबमिट हो चुका है। अब मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। मोबाइल पे ओटीपी आने के बाद ओटीपी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, उसके बाद मुझे यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओके, वैलिडेट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंट। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दी है। अब आपका पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा। ओके, मोबाइल पर मैसेज आ चुका है, यू आर आधार इज सक्सेसफुली लिंक विथ यू आर पैन। ओके, तो ये आप इतनी सी प्रोसेस है, देन आप ये काम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, देन लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।